हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार, रात आफ्टर डिनर मैंने मूवी देखी और फिर मैं सो गया। अभी उठा हूँ और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। फॉग नहीं है आज इतना जितना कल था, और रात को भी फॉग तगड़ा था, बट आज सुबह नहीं है। सो अब फ्रेश होना है, रेडी होना है। पहले जाके ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं ताजमहल देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। वी आर हियर फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करके फिर रूम चेकआउट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। एंड वी हैव अ कंप्लीट बुफे सिस्टम। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। This is our breakfast. Aloo paratha. Aloo paratha. Suji ka halwa, boiled egg and banana. And she's having idli, upma, paratha. Kaisa? Awesome. Chalo guys, फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। होटल से चेकआउट कर लिया एंड अभी चल रहा है ताजमहल की तरफ। वी आर ऑन द वे टू ताजमहल, और हमने छोटा टुक टुक लिया ना। इसका टिकट ऑनलाइन बुक हो रहा है, सो वी बुक इट ऑनलाइन। 90 rupees फॉर 2 meters। और आज तो फॉग नहीं है इतना। टुक टुक ने यहाँ उतार दिया है, और यहाँ से सामने गेट है ना सर? ये अच्छा, ये सामने गेट है। यहाँ से 2 या 3 मिनट का वॉक है मुश्किल से। अंदर एंट्री लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। दिस इज द एंट्रेंस, यहाँ पे ताजमहल इन डिफरेंट ईयर्स जितना चेंज हुआ है उसकी फ्लेक्स लगी हुई है यहाँ पे। हमारे गाइड साहब, दिस इज द मेन एंट्रेंस। सो ये यहाँ से एंट्री है, दिस इज द एंट्री पॉइंट। अभी इस तरफ जाना है हम लोगों को पीछे। इट्स ब्यूटीफुल यार, इंडियन हेरिटेज की बात ही अलग है। हल्का हल्का फॉग है और बहुत सुंदर लग रहा है ये ना। ये हमारे गाइड साहब हैं सलील जी, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगा तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, दिस इज ब्यूटी। आई सर, थोड़ा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप उसके बाद फोटोग्राफी कर लीजिएगा। हाँ जी सर, बताइए। तो जैसा कि सर हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसे बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। दिस इज द मेन कोर्टयार्ड ऑफ ताजमहल, बिकॉज आप यहाँ देख रहे हैं 4 gardens है और 4 gate है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है और नॉर्थ साइड है। ठीक है, ये साउथ साइड जो है इसे लेबर कॉलोनी गेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ लेबर्स ने काम किया था वो इसी गेट के बाहर रहते थे। अच्छा, एंड दे आर ईस्ट गेट। यस सर, इट्स कॉल्ड VIP गेट। आप इसे VIP गेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ VIPs आते हैं वो इसी गेट से आते हैं। अच्छा, ठीक है। और आपके सामने जो गेट है उसे बोलते हैं रॉयल गेट। इसकी हाइट है 105 feet, अबाउट 35 meters। ये जैसा कि आप ये स्मॉल डॉम देख रहे हैं, काउंट देयर हाउ मेनी डॉम्स? 11 एग्जैक्टली। तो ये जो है 11 फ्रंट साइड है एंड 11 बैक साइड है सर। अच्छा, सो 11 प्लस 11 22। सो ये आपको याद दिलाते हैं 22 years में ताजमहल बनकर कम्प्लीट हुआ। ओके, 22 years। ठीक है, तो जैसा कि आप ये फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं, ये ना पेंटिंग है ना कलर है, ये सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं जो मून लाइट में ग्लो करते हैं। ये जो फ्लावर्स वहाँ बने हुए हैं,
कोई स्पेशल नाइट भी होती है यहाँ पे रात को आके? यहाँ पे फुल मून डे उस टाइम आप फुल मून नाइट जी सर, वो मंथ में 5 बार होती है, लेकिन वो उसका टिकट अलग से मिलता है, लेकिन अभी नहीं चल रहा है कोविड की वजह से सर। क्या टिकट है उसका सर? उसका भी 750 समथिंग है। 750 टिकट, तो वो 8:30 बजे से रात को 12 बजे तक जाता है। अच्छा, जो घर होते थे या पुरानी बिल्डिंग होती थी वो इस हिसाब से बनाते थे, गर्मियों का नोट करना पड़ेगा हाँ कि आग जलेगी तो उतना ही गर्म भी रहते हैं। ये वाला तार दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली, सो गाइस दिस इज ब्यूटीफुल ताजमहल। अभी फॉग की वजह से ज़्यादा साफ यहाँ पे दिख नहीं रहा, अभी पास जाके देखते हैं। तो ये आपने बोला इन 22 इयर्स इट गॉट कंप्लीटेड, हिस्ट्री में हम 20 साल क्यों पढ़ते? किताबों की हिस्ट्री और रियल हिस्ट्री बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। लुक एट द ब्यूटी गाइस, हर एंगल से जितना पास जाते जा रहे हैं और ब्यूटीफुल होता जा रहा है। सो ब्यूटीफुल इट इज। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा क्योंकि धूप में बहुत अलग लगता है और अभी फॉग हल्का हल्का हो रखा था तो और ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है इस वक्त। अंदर है अच्छा नीचे जाकर है, लेकिन उसका जो रेप्लिका है वो आप लोग देख सकते हैं, हम रियल वाला नहीं देख सकते, वो 2000 में बंद हो गया। उसका रेप्लिका जो ऊपर बना हुआ है वो सेम है, सेम है। और जैसे कि आप ये मीनारे जो देख रहे हैं, दे आर 4 मीनारे, ये आपको स्ट्रेट दिख रहे हैं, सीधे दिख रहे हैं, लेकिन ये सीधे नहीं है, ये थोड़े टिल्टेड बनाए गए हैं। रीजन सर, जैसे फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक आएगा हाँ। तो ये पिलर जो है बिल्डिंग पे नहीं गिरेंगे, बाहर की तरफ गिरेंगे। ये बिल्डिंग जो है 1631 में स्टार्ट हुआ, 1653 में कंप्लीट हुआ, 22 इयर्स लगे, 20,000 लोगों ने यहाँ काम किया था। रिवर्स गे नाइट, जैसा कि आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मॉस्क है, इसके ठीक सामने एक और बिल्डिंग है जो बोलते हैं गेस्ट हाउस, दोनों सेम बिल्डिंग है। तो जुम्मा का जो नमाज होती है वो यहाँ होती है जी सर। मेरे पीछे मॉस्क है जहाँ फ्राइडे नमाज पढ़ी जाती है, फ्राइडे को ये बंद रहता है। और इसके बिल्कुल सामने ताजमहल है, ऊपर ताजमहल जाने के अब फीस बढ़ गई है। जब 4 साल पहले मैं आया था तब इतनी इसका नॉर्मल एक टिकट हुआ करता था, बट अब दे हैव रेज द टिकट। यहाँ नीचे तक इट्स 45 rupees पर हेड और ऊपर जाने का 200 rupees पर हेड है। So we are on the back side of Taj Mahal guys, or this is Yamuna River. अभी गाइड साहब ने बताया वो सामने अगर दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे ब्लैक ताजमहल बनने वाला था जो शाहजहाँ बनवा रहा था, बट पूरा नहीं हो पाया वो ख्वाब। मैं दूसरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ गाइज और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है आज ये, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था फेब के मंथ में और सनी डे था, और आज थोड़ा फॉगी है, सुबह बारिश भी हुई है, एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल।
अभी कुछ पिक्स लेंगे यहाँ पे, कुछ शॉट्स लेते हैं और फिर देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है। सो गाइस डन विद द ताजमहल टूर एंड अभी घर के लिए कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ मिठाइयाँ लेते हैं और भी कुछ देखते हैं क्या अच्छा है। अभी शॉप पे जा रहे हैं पेठा लेने के लिए, चलो चलते हैं। अब जा रहे हैं टुक-टुक से वापस कार में और अमेजिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको इतना टाइम बाद आके वापस? सही है यार, अपने पुराने हिस्टोरिकल मोमेंट मॉन्यूमेंट देखना भी ना अलग एक्सपीरियंस है, फन है, बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती है। और एक अच्छा वीकेंड में निकल जाता है। तो अब जा रहे हैं वापस टुक-टुक से पार्टी की तरफ। डन विद दी ताजमहल टूर और शॉपिंग भी कर ली है, भूख लगी थी, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था होटल में, लेकिन फूडी है तो भूख लगती है, तो अभी मैकडॉनल्ड से कुछ टेक अवे ले रहे हैं और रास्ते में चलते चलते खाएंगे आराम से और फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अब दिल्ली तक की जो जर्नी यहाँ से होने वाली है काफ़ी बोरिंग होने वाली है, बिकॉज कल तो फॉग भी था, आज फॉग भी नहीं और धूप निकल आई और गर्मी होने लगी है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और जीना की शाम को शिफ्ट है तो ये तो अभी फिर गाड़ी में सो जाएगी और मैं बस एंजॉय करता रहूंगा अपनी ड्राइव को। फाइनली एंटरिंग द हाईवे एक्सप्रेसवे, हायर एक्सप्रेसवे में एंट्री कर रहे हैं टूवर्ड्स दिल्ली और साथ में थोड़ी पेट पूजा की जा रही है। खाने में इतना बिजी हो गए गलती से लखनऊ वाला रूट पकड़ लिया है, तो अभी क्या कौन सा रोड लिखा हुआ, फैजाबाद रोड है, कौन सा रोड है, फिरोजाबाद रोड से हम लोगों को यू टर्न लेना है और फिलहाल ये लखनऊ वाला जो हाईवे है उस हाईवे पे आके हम लोग दिखाता हूँ आपको। ये लखनऊ वाला हाईवे है तो लखनऊ से कनेक्ट करते हैं, आसपास फुल ग्रीन है। गलती कर ली बट कोई नहीं, अपने पास गलती कर ली, बस अपने पास टाइम बहुत है सो पहुंच जाएंगे टाइम से। आगे जाके यू टर्न लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे दोबारा से। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, अमेजिंग व्यू, पीछे सरसों यहाँ भी हो रखी है खतरनाक और दिस इज टूवर्ड्स दिल्ली। तो अब यू टर्न ले चुके हैं जहाँ से यू टर्न लेना था और अब दिल्ली की तरफ निकलते हैं। सो गाइस बैक ऑन द वे और एक 15 मिनट का ब्रीदर लिया, आराम से फ्रेश हुए और वापस ट्रैक में। काफ़ी गर्मी हो रही है हल्की बहुत, टेम्परेचर पता नहीं कितना है, शायद 24, 25, 26 ऐसा कुछ होगा, बट बैक ऑन द वे। आज फॉग उतना नहीं है बट धूप है, गर्मी है। और सनग्लासेस लगाने पड़ गए बट वही है कि मास्क के साथ सनग्लासेस लगाओ तो फिर चश्मे में भाप आ जाती है, तो बीच बीच में हटा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। मैं तो उनका सोच रहा हूँ जिनके लिए स्पेक्स मैंडेटरी है, वो कैसे मास्क के साथ हैंडल करते होंगे। चलो अभी तक का 2 दिन का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा यार, बिकॉज काफ़ी टाइम से बाहर जाने का सोच रहे थे कि कहीं चलते हैं और एकदम से ही प्लान बना रातों रात कि चलो यार आगरा तो बगल में है, जा ही सकते हैं, तो निकल गए आगरा के लिए। और कोइंसिडेंस की सारी चीज़ अपने फेवर में ही थी, डील भी अच्छी मिल गई होटल की और अच्छा टाइम था यार, वापस दिल्ली जा रहे हैं।
बट वही होता है जब बाहर निकल रहे होते हो तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन घर जा रहे होते हो तो घर जाने की भी एक्साइटमेंट होती है बट उतनी नहीं होती जितना जब ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, बिकॉज यू गोइंग बैक टू दैट नॉर्मल लाइफ और वो थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है तो। गाइस दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस आफ्टर आई बॉट कार कि इतना लंबे राइड में निकला था और अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, जीना अभी सोई हुई है दो लोगों के लिए फ्रंट पे जो आगे बैठते हैं ड्राइवर और ड्राइवर के बगल, इट्स वेरी कंफर्टेबल, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। हाँ तो गाइस फाइनली रीच्ड होम और ग्रेटर नोएडा नोएडा एंटर करने के बाद यार ट्रैफिक बहुत बढ़ गया था तो व्लॉग नहीं करा उससे आगे और कुछ ऐसा था भी नहीं दिखाने के लिए तो सीधे घर आ गए और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये दिल्ली टू आगरा आगरा टू दिल्ली का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक करो शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, देयर इज़ अ बेल आइकन, प्रेस द बेल आइकन। सो आज के लिए इतना ही है एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी।